अब तक हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट हो जिनको हम ज्वाइन करके एक लाइन बना दें, तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, आज उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, और कोई पॉइंट दूसरा बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। ठीक है, क्या करो, ए और बी को ज्वाइन कर दो। अब इस ए और बी को आप जो ज्वाइन किए हो इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बताना है। ठीक है, तो पहले क्या बात करते हैं, ए बी पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ए बी पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, x2 - x1 i कैप + y2 - y1 j कैप + z2 - z1। ठीक है, सही बात है। तो देखो, हमने एक इम्पॉर्टेंट बात बताया था आपको कि अगर कोई भी वेक्टर दिया रहा है, अब ये पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, कोई भी वेक्टर रहा है, ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया है उसका स्केलर कंपोनेंट क्या बन जाता है, डायरेक्शन रेशियो, और उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखो इस ए बी पोजीशन वेक्टर मिल गया, मतलब ये ए बी लाइन की बात चल रही है, तो इसका आई जे और के का यूनिट वेक्टर, सॉरी आई जे के का क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट क्या है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो यही सब क्या बन गए, ए बी पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। मतलब क्या, x2 - x1 और क्या y2 - y1 और क्या z2 - z1। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्या बोलते हैं ए बी पोजीशन वेक्टर का, पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे। तो सिंपली सोच ऐसे नहीं करोगे, ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आप अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर करोगे। सिंपली सपोज कर लो कि जो ये मैग्नीट्यूड आएगा वो सिंपली r के बराबर आएगा। आप कोई भी वैल्यू आए, देखो अभी ये ऐसे फॉर्म में है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर z2 - z1 का होल स्क्वायर, उसको ओपन करोगे तो बड़ी सी चेन बन जाएगी। लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उनको उसको आराम से आप रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सपोज कर लो कोई ये आर आर वैल्यू आएगा ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए बी का यूनिट वेक्टर निकालो, एक सेकेंड, ए बी पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ए बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कितना है, x2 - x1 i कैप + y2 - y1 j कैप + z2 - z1 k कैप, और नीचे क्या, अभी मैग्नीट्यूड हमने बात किया उसको सिंपली r मान दो। ठीक है, फिर क्या करो, देखो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो, x2 - x1 / r i कैप कर सकते हो, प्लस y2 - y1 / r j कैप कर सकते हो, प्लस z2 - z1 / r k कैप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब ये जो बना है ये क्या है, ए बी यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या, अगर हम इसके अब i j k का स्केलर कंपोनेंट उठाएं तो वो क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। ठीक है, तो ए बी पोजीशन वेक्टर मतलब ये जो लाइन की आप बात कर रहे हो इसका डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर होगा, x2 - x1 / r y2 - y1 / r z2 - z1 / r के बराबर। क्लियर हो गया, कोई भी वेक्टर दिया रहे, ये ए और बी दो पॉइंट था उससे हमने ए बी पोजीशन वेक्टर बना दिया, फिर उसका स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, कोई भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होता है, और कोई भी वेक्टर है उसका पहले यूनिट वेक्टर बनाओ, और यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन, नीचे का थोड़ा सा कट गया है, वही लिखा है z2 - z1 / r लिखा है। ठीक है, इसको नोट करो, ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ये और ये। तो देखो हमने बताया था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो लाइन का होता है वही वेक्टर का भी होता है। अगर आप क्या करो, सेम आप क्या बोलते हैं, सेम
जैसा वेक्टर सॉल्व करते हो वैसा अज्यूम कर लो लाइन भी है, तो उसका लाइन का और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। सिंपल, बहुत बात कर ली इसके बारे में, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है किसी लाइन का, तो सपोज कर लो हम किसी वेक्टर का निकालेंगे, इसको सपोज कर लो कोई ए पॉइंट है, इसको सपोज कर लो कोई बी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट सपोज कर लो एक्स वन वाई वन जेड वन ये है, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू सपोज कर लो ये है। तो क्या करोगे, हमको सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब डायरेक्शन रेशियो नहीं निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या चाहिए, वो वेक्टर चाहिए, तो वो वेक्टर क्या हमको मिल जाएगा। और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक सपोज कर लो वेक्टर की तरह इसको ट्रीट कर देते हैं, पहले ए बी पोजिशन वैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी पोजिशन वैक्टर कितना होगा आपका, ए बी पोजिशन वैक्टर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वन माइनस ऑफ माइनस टू मतलब कितना हो जाएगा, थ्री आई कैप, और क्या प्लस वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस फोर माइनस टू हो जाएगा जे कैप, और क्या थ्री माइनस ऑफ माइनस फाइव मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एट के कैप हो जाएगा। ये हो गया ए बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इतने का काम कंप्लीट हो चुका है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ऐसे इस फॉर्मूले पे रख के, ठीक है। बस थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा सिंपली सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं निकालना है, पूरा प्रोसीजर नहीं करना, तो सिंपली आप ये करो, सिर्फ क्या करो आर का वैल्यू निकालो, और क्या करो सिर्फ यहाँ पे पुट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर मतलब नाइन, माइनस टू स्क्वायर मतलब क्या फोर, एट स्क्वायर मतलब क्या 64, तो कितना हो गया ये 64, 9, 73 प्लस 4 मतलब क्या अंडर रूट 77 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, वही ए बी यूनिट वेक्टर लिख दो, ठीक है। ए बी यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप अपान अंडर रूट 77 है। तो सबको अलग अलग कर दो, अंडर रूट 77 यहाँ पे, अंडर रूट 77 यहाँ पे, अंडर रूट 77 यहाँ पे। तो अब ये जो आपको मिला है 3 अपान अंडर रूट 77 माइनस 2 अपान अंडर रूट 77 8 अपान अंडर रूट 77, यही क्या है आपका, ये ए और बी जो लाइन पॉइंट है, ए और बी जो पॉइंट है उनको जो ज्वाइन करके हमने लाइन बनाया उसका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन है उस बुक में दिया है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है।